लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। देवी, ऐ कानून वालों की सगी माँ, हम तेरे सौतेले जरूर हैं, लेकिन उनकी तरह हरामी नहीं। तू उनकी काली करतूतें ना देख सके, इसलिए उन्होंने तेरी आंख पर पट्टी बांध दी है, अंधा बना दिया है तुझे। इस अंधेपन में कहीं तेरी लाठी हम पे ना चल जाए, इसलिए हमने तुझे जंजीरों का हार पहनाया है। जिस तरह से कौरवों ने पांडवों की हुकूमत छीनी थी, उसी तरह से हमने कानून से इस शहर की हुकूमत छीन ली है। मगर तेरा नाम नहीं छीना, तेरी इस दुर्दशा पर हम बहुत दुखी हैं, लेकिन इस शहर पे राज करके हम बहुत सुखी हैं। हम इसी तरह इस शहर पर हुकूमत करें, ये वरदान मांगते हैं तुझसे। ओम स्वाहा। माई बाप, रहती दुनिया तक आपके नाम का सितारा चमके। मेरी बेटी की शादी, मुझे आपकी दया चाहिए। भगवान आपको करोड़ों दे मालिक। घबराओ मत, तुम्हारा काम हो जाएगा। ये तो बड़ा पुण्य का काम है, तुम भी कुछ पुण्य कमाओ, हमारे अस्पताल में जाके गरीबों के लिए खूनदान दे दो। ये तो बहुत पुण्य का काम है, मैं अभी जाकर खूनदान करता हूं। विक्की। जी बड़े भैया। बेचारा बड़ा गरीब है जी, दो दो किडनियां कैसे संभालेगा? जब अस्पताल में खून देने आए तो डॉक्टर से कहना एक निकाल ले। समझ गया, एक पार्टी है जो एक किडनी का 3 लाख तक देने को तैयार है। राजा ठाकुर, डीसीपी पवार का मैसेज है, वो कहते हैं दुबई वाला माल दरिया पार उतार सकते हैं। इससे पहले कि डीसीपी पवार मुंह खोले, विकी भैया 2 पेटी उसके घर भिजवा देना। वाह ठीक है भैया, क्या बात है। वो कुरला वाली जमीन का क्या हुआ? अरे ससुरे, झोपड़ियां छोड़ने को तैयारी नहीं है। ना ना, झोपड़ी तो छोड़ दे, लेकिन 2 लाख मांग रहे हैं और ऊपर से फ्लैट। उस बस्ती में कोई मंदिर मस्जिद है? अरे दोनों ही तो है। अरे हाँ, मंदिर से मूर्ति मैं गायब करवा देता हूँ, मस्जिद की दीवार मैं तोड़वा देता हूँ, हो गया हिंदू मुस्लिम फसाद शुरू। समझो हिंदू मुस्लिम फसाद हो गया शुरू। हाँ, और अपनी 60 मंजिली बिल्डिंग तैयार। ओम स्वाहा। लक्षा, अरे ओ लक्षा। गुड मॉर्निंग साहब। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। बाहर क्या कर रहे थे आप? आपका हुक्म है, सुबह सुबह एक्सरसाइज करो। सो कर रहा हूँ। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत जरूरी है एक्सरसाइज करना। लेकिन क्या है, साथ में घर का काम भी करना चाहिए। जी, चाय लाओ मेरे लिए। जी 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 साहब, साहब नमस्ते। नमस्ते। ले देखिए चाय, चाय भी आ गई। रख दो चाय रे, चाय चाय ही चाय। लक्षा, तूने लक्ष्मी को चाय कहा? अरे लक्ष्मी तो हर चीज है साहब, लक्ष्मी देवी, लक्ष्मी चाय, लक्ष्मी गरम मसाला, लक्ष्मी हींग, लक्ष्मी नसवार, लक्ष्मी डेरी, लक्ष्मी तो बहुत बड़ी जनरल स्टोर है साहब, बहुत बड़ी जनरल स्टोर है। चलो लक्ष्मी, तूने सबको मॉर्निंग टी दे दी? जी बड़े साहब, छोटे साहब को छोड़ के। क्या मतलब, विशाल उठा नहीं अभी तक? बहू, ओफो, शांति से पूजा भी नहीं करने देती ये लोग। बहू आई। जीती रहो जीती रहो। प्रणाम दादू। जीते रहो, ये है हमारा सबसे प्यारा बेटा। देखा कैसे दादू की तरह सुबह सुबह तैयार हो जाता है। पता है क्यों? क्यों दादू,
हम भी आपकी तरह बड़े होके जज बनेंगे। शाबाश। पंकज क्या कर रहा है भाऊ? जी शेफ कर रहे हैं। और वो तुम्हारा देवर अभी तक शायद सो रहा है, आज मैं उसके कान पकड़ कर जगाता हूं। आप चाय पीजिए, मैं उसे उठाती हूँ। मम्मी मैं भी चलूंगा। हाँ चलो। विशाल उठो। सोने दो ना भाभी। अरे उठो विशाल, नहीं तो देखो मैं सर पे पानी डाल दूंगी। चाचू मैं लाऊं पानी। ऐसा जुल्म मत कर यार, सोने दे। विशाल। एक दो तीन। चाचू एक्सरसाइज बेड पे नहीं जमीन पे की जाती है। 21, 22, 23 भाभी गिनो ना। हाँ मैं 24, 25, 25। ओ विशाल क्या कर रहे हो? 81, 82 गिनो ना। 83, 84 अरे क्या उल्टी गंगा? उल्टी गंगा नहीं पिताजी, सीधी गंगा। अरे वाह वाह, जीते रहो जीते रहो, शाबाश। उठो उठो गले लगो। बस बेटा बस, क्या हालत बना ली अपनी। आज के लिए इतना ही काफी, आप नहा धो के तैयार हो जाओ। नहीं नहीं, ये 50 बैठक है और लगाने वाला है। अच्छा 50 बैठक? डरते क्यों हो चाचू, 50 बैठक तो मैं लगाता हूँ। अच्छा रवि तू यही रहना और गिनते रहना, पूरी 50 बैठक लगनी चाहिए तेरे चाचू की। चलो कुछ तो सुधरे। चाचू शुरू हो जाओ। मालूम है मालूम है। 1, 2, 3 तीन नहीं 30 और ये 40। चार को 40 बोलते हो? ठहरो अभी दादू को बुलाता हूँ। 40 बोलने में तेरा क्या जाता है? जाता तो कुछ नहीं और आता भी कुछ नहीं है चाचू। ये ले 5 का नोट। अब हो गए आपकी 50 बैठक। चाचू को लुभना यार, चाचू को लुभना। नहीं सुधरेगा ना। सीता आई। सीता कहाँ हो तुम? सीता ओ, क्या है? मेरा टॉवल कहाँ है? ये क्या सामने पड़ा है? लेट उठने से डरते हो तो फिर जल्दी क्यों नहीं तैयार हो जाते? ये लो। इसलिए कि तुम जल्दी उठ जाती हो और मैं आंखें बंद के सारे बिस्तर पर हाथ पांव मारता रहता हूँ। मेरी बीवी कहाँ चली गई? मम्मी। हाँ देखो रवि को भी तुम्हारा बेवक्त का रोमांस पसंद नहीं है। तुम जल्दी से नहा लो, नाश्ता तैयार है। जाओ ना प्लीज। अरे बाबा चाहता हूँ। मॉर्निंग पंकज। गुड मॉर्निंग। पहले ये तो खा ले बेटा। क्या हुआ? खुश नजर आ रहे हैं। अरे खुश तो मैं हूं ही। भाई पंकज मुबारक हो। किस बात की मुबारकबाद डैडी? आपके छोटे भाई साहब ने अब तो एक्सरसाइज करनी शुरू कर दी। रियली? बहुत एक्सरसाइज की है ना? तब तो समझ तू बगैर इंटरव्यू के ही पुलिस में भर्ती हो गया। और इसी खुशी की बात पर ये पनीर से भरा हुआ ऑमलेट खा। ऑमलेट तो मैं खा लूंगा मगर अपने आप को पुलिस की वर्दी में नहीं भरूंगा। क्यों नहीं? पुलिस की नौकरी में क्या खराबी है? लेकिन कम से कम तुम्हारे कॉलेज की नेतागिरी से तो अच्छी है। ओफो, बच्चों को नाश्ता तो शांति से करने दो, सुबह होते ही शुरू हो जाते हो। ये क्यों वो क्यों? अगर इसे पुलिस की नौकरी पसंद नहीं तो ना सही। भाई हमें तो बड़ा नाज है पंकज पर। और फिर पुलिस की नौकरी सिर्फ नौकरी नहीं होती, देश सेवा भी होती है। विथ ड्यू रिस्पेक्ट डैडी, ये जरूरी है कि घर का हर आदमी देश सेवा करे, अकेले भैया काफी नहीं है। देखा ये है आज का मॉडर्न यूथ, देश के नाम से चिढ़ते हैं ये। अरे बेटा ये देश है तभी तुम हो, ये देश तुम्हारे लिए तभी कुछ कर सकता है जब तुम देश के लिए कुछ करो। करेगा जी करेगा। अरे कब करेगा? अभी रिजल्ट निकलने में वक्त है, तब तक तो इसे एंजॉय करने दीजिए ना। डैडी रिजल्ट निकलने के बाद खुद ही फैसला करके बताएगा। हाँ? क्यों ठीक है भाई, एज यू ऑल विश। करो बेटा एंजॉय करो, खूब एंजॉय करो। मदहोश दिल है पागल।
जवानी कहते हैं लोग इसे प्यार की निशानी कहते हैं लोग इसे प्यार की निशानी मदहोश दिल है हाय पागल जवानी अरे मदहोश दिल है हाय पागल जवानी होश दिल है हाय पागल जवानी बहकी बहकी हसरतें आंखों में नशा धड़कन पे छा रहा कोई सुरूर सा दिल चाहे अब मेरा मनमानी कर लूं कोई प्यार की एक हसी देखो रंग प्यार का मदहोश दिल है पागल जवानी मदहोश दिल है दिल है पागल जवानी जवानी मदहोश दिल है पागल जवानी राहों में मिले थोड़ा सा शर्मा के वो लग जाए गले होगी वो कसम से सारी दुनिया से जुदा कर दूंगा जान दिल उस पे यारों मैं फिदा सबसे छुपा के उसे सबसे चुरा के उसे सांसों में लूंगा बसा दिल है हाय पागल जवानी अरे मदहोश दिल है हाय पागल जवानी कहते हैं लोग इसे प्यार की निशानी कहते हैं लोग इसे प्यार की निशानी मदहोश दिल है पागल जवानी मदहोश दिल है जवानी और मदहोश दिल है हाय पागल जवानी हो हे ला ला
बैग मांगता सर? अरे पहले अंदर का माल तो बाहर आने दे, एक घंटा हो गया टॉयलेट का दरवाजा नहीं खुला। आजा, अरे भागा जा। अरे बाप, अरे तू अंदर कर रहे ना मेरे को बाहर हो जाएगी। अरे आजा। ए, ये क्या बदतमीजी? अरे गोविंदा साहब, आई ला अपनी तो किस्मत ही खुल गई। बाप ए? बाप ऑटोग्राफ सर, ऑटोग्राफ आप अपने मोहल्ले में दिखाएगा ना, फट होता है फिर आप आपकी पिक्चर भी। होश कर होश, मैं गोविंदा नहीं हूं। बस क्या बाप, आप उनको चेंटी लगाता है? लगता है तू बहुत पियला है। अब मुझे आपका नाम पता चल गया। तो बोल मैं कौन हूं? शत्रुघ्न सिन्हा। अरे सांबा, इन दोनों में से मैं कोई भी नहीं हूं। हाँ, कुछ लोगों का ये कहना है कि मेरी शक्ल अमजद खान से मिलती है। ओ। लेकिन हमारा नाम गब्बर सिंह है। अच्छा, तो बॉस अपने ही नाम का साइन दे दीजिए ना। अब बया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। ये लो। थैंक यू, थैंक यू बॉस। अच्छा हाँ। मेरे प्यारे भाइयों और गब्बर सिंह की बहनों, आज से इस बार का मालिक मैं हूं। चलो जल्दी से ये बार खाली करो। ये क्या मजाक है? मजाक नहीं, हकीकत। क्या? लफड़ा करके कोई फायदा नहीं। ये देख, ऊपर सरकार का छापा और नीचे तेरे दस्तखत। ज्यादा लफड़ा करेगा तो आपुन तेरे को भी इधर ही छाप देगा। ये स्टैंप पेपर मुझे दे दे, नहीं देगा। छीन लो इस सिरों से ये स्टैंप पेपर, जाओ। गब्बर का फैन। भाई क्या कर रहा है? गिदे पकड़ा गया स्टैंप पेपर। नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। ओए माँ, कौन भरी माँ बिन फेरे हमसे रे। बनाकर खाली पेपर पर दस्तखत लेता है, क्या समझता है? जानता है हम कौन है? हम तुझसे तेरा घर, तेरा पूरा खानदान, तुझसे तेरी जिंदगी छीन लेंगे। अमरीश पुरी की तरह डायलॉग बोलता है। हाँ। मेरी जिंदगी छीनने का हक तुझे किसने दिया? हाँ? बकवास करता है इस गंदे मुंह से।
छोबड़े को पीस पीस कर ब्राउन शुगर बना दूंगा। ए, ये सब क्या है? क्यों मार रहे हो उसे? Stop it! सर, ये हमारे कॉलेज के सामने वाले बार का मालिक है। शराब और बियर के साथ साथ ब्राउन शुगर भी बेचता है। ए, तुम कहाँ भाग रहे हो? Come here! वो मैं तो तुम कॉलेज में पढ़ने आते हो या झगड़ा करने? पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट है तुम्हारी। सर, ये झगड़ा नहीं है। Shut up! ए, जिप में बैठाओ इसे। लेकिन सर, विशाल तो हमारे कॉलेज यूनियन का सेक्रेटरी है। ये हमारे कॉलेज का हीरो है साहब। यंग वुमन, जिंदगी को फिल्म का सीन मत समझो। कोई भी हो, कानून तोड़ना जुर्म है। गर्दन छोड़ दे इंस्पेक्टर, वरना तेरी गर्दन टूट जाएगी। देखा देखा, मोगैम्बो पूरी की तरह बोला। शट अप, धमकी देता है। अबलदार, ले जा। इंस्पेक्टर साहब, ये बार नहीं था, मेरी कैंटीन थी। मेरा नाम मुरली थवानी है। इन्होंने पहले मुझे चोरी छुपे गर्द बेचने के लिए कहा, ब्राउन शुगर। जब मैं नहीं माना तो इन्होंने जबरदस्ती मेरी कैंटीन पर कब्जा कर लिया। सर, पुलिस में रिपोर्ट की? नहीं सर। क्यों? मैं डर गया। इन्होंने मुझे जान से मारने की धमकी दी थी और कहा था अगर तुम पुलिस के पास गए तो तुम्हारे बाल बच्चे खत्म कर दिए जाएंगे। साहब, घबराओ नहीं, इस देश का कानून अभी जिंदा है। तुम्हें इंसाफ मिलेगा, जरूर मिलेगा। इस अदालत में पेश किए गए तमाम सबूत और गवाहों की बिना पर मुलजिम विशाल ने गब्बर सिंह के बार में जाकर मारपीट की। इसका मकसद गब्बर सिंह के जुर्म बेनकाब करना था। बेशक इसका इरादा कानून की मदद करने का था, लेकिन मदद करने का मतलब कानून तोड़ना नहीं। इसलिए यह अदालत मुलजिम विशाल को 300 रुपए जुर्माना अदा करने का हुक्म सुनाती है, लेकिन और गब्बर सिंह के फैसले के लिए 7 जुलाई की तारीख मुकर्रर करती है। यह सरासर अन्याय है डैडी। मुझे जुर्माना क्यों? मैं 300 रुपए नहीं दे सकता। जुर्माने की रकम बढ़ाकर 400 रुपए की जाती है। अरे, मैं आपको कम करने के लिए कह रहा हूं और आप 500 रुपए। योर ऑनर, आपका फैसला हमें मंजूर है, जुर्माना अदा कर दिया जाएगा। लेकिन भैया, द कोर्ट इज एडजॉइंड फॉर द डे। तेरी जेब में कितने रुपए हैं? एक मिनट डैडी, 80 रुपए दीजिए। किस लिए? जिसे आपने जुर्माना लगाया वो आपका छोटा बेटा है। पंकज भैया और मेरे पास मिलाकर टोटल होते हैं 420 रुपए। बाकी बचे 80, वो आप दीजिए। वाह बेटा वाह, मुझसे ही 420 ही? हाँ फिर ये लो। थैंक यू। Come on, girls. ये सब पार्सल हमारा ही है ना? आपका है जी। सब डाल दिया साहब। चाचू, मेरा स्कूल बैग। ये क्या बदतमीजी है? आपकी बदतमीजी का जवाब। आपने बैग सीट से उठाकर नीचे फेंकने की बदतमीजी की, मैंने सीट पे रखने की। मैं तुम्हें सीट नजर आती हूँ? जी हाँ, बैठ के बताऊँ क्वेश्चन कैसा? क्यों तुम्हारी ये हिम्मत? मैं तुम्हें शालू पकड़ो न छोड़ो, छोड़ा तो टंक मार जाएगा। जब मर्द एक बार किसी लड़की का हाथ पकड़ता है तो छोड़ता नहीं है और छोड़ना भी नहीं चाहिए। क्यों, आप क्या कहती हैं? Shut up! तुम हाथ छोड़ते हो या मैं पुलिस को बुलाऊं? ए, ए, देखिए भाई साहब। लक्ष्या, तेरे को बोला? अरे कोई भाई भाई नहीं, राखी के दिन मुझे कड़का नहीं होना है। हट। मैं बताऊं आंटी, ये हमारी टेबल पर बैठ गई थी। टेबल रिजर्व नहीं थी और अब तो मैं ये कुर्सी छोड़ने वाली नहीं हूँ। तो मेरी भी जिद है, मैं भी ये कुर्सी लेकर आऊंगा। अच्छी है चाचू, घर ले चलो। कमाल है क्या, घर ले जाना। कुर्सी होटल वाले की है। मैं कुर्सी की नहीं, आपकी बात कर रहा था। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। कम ऑन गर्ल्स, लेट्स गो समवेयर। चलो लेट्स गो, लेट्स गो। कहाँ? इनके पीछे पीछे। मुझे स्कूल कौन छोड़ने जाएगा? ये तू आज छुट्टी कर लेना। चुप बे, करवाएगा। इसको स्कूल छोड़ के आ जा। जरा पिंक शर्ट दिखाइएगा कोई। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। एक पिंक, लाइट पिंक, डार्क पिंक, रोज पिंक, लेमन पिंक, गोल्ड पिंक, सिल्वर पिंक, पिंक में जितने भी शेड है सब दे दीजिए। सभी? हाँ, मेरी शालू को सिर्फ एक ही रंग पसंद है, पिंक। चलो चलो, ये चलेगी, न्यू डिजाइन। एक्सक्यूज मी, यस, मुझे एक ब्रा मिल सकती है? कितने चाहिए? एक नहीं, दो। विद साइज प्लीज। साइज लोफर। ये
किस मटेरियल में? एक्सक्यूज मी, पूछ के आता हूँ। हाँ। ना शॉपिंग हुई ना चाय पीने को मिली, आज का दिन तो बेकार गया। चलो चलो टैक्सी पकड़ते हैं। अरे लगता है ये तो एंगेज्ड है। ओह, मेरा दिल भी आपके लिए एंगेज्ड है। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, किराया नहीं, भाड़ा नहीं, सोना नहीं, चांदी नहीं, हीरा नहीं, मोती नहीं। आप अपने प्यार का गिफ्ट मुझे दे दीजिए तो लिफ्ट में आपको दे दूंगा। ओ नो, तुझे लिफ्ट कार में दे दूं तो गिफ्ट मुझे क्या दोगी, तुझे लिफ्ट कार में दे दूं तो गिफ्ट मुझे क्या दोगी, वादा कर लो होटल में मुझे चाय पिलाओगी, ए वादा कर लो होटल में मुझे चाय पिलाओगी। जा रे जा दीवाने जा मेरे पीछे ना, आई मेरी शक्ल अपनी तूने देखी है क्या, जा रे जा दीवाने मेरे पीछे ना, आई मेरी शक्ल अपनी तूने देखी है। तुझे लिफ्ट कार में दे दूं तो गिफ्ट मुझे क्या दोगी, तुझे लिफ्ट कार में दे दूं तो गिफ्ट मुझे क्या दोगी, वादा कर लो होटल में मुझे चाय पिलाओगी, अरे वादा कर लो होटल में मुझे चाय पिलाओगी। जा रे जा दीवाने जा मेरे पीछे अपनी तूने देखी है क्या, जा रे जा दीवाने जा मेरे पीछे ना, आईने में शक्ल अपनी तूने देखी है क्या। ला 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 लिफ्ट तुझको चाहिए घर तो ऐसे नखरे न कर, चल बैठ जा अब मुझे भी जल्दी जाना है घर। ले लो लिफ्ट, ले लो लिफ्ट, ना दूंगे मी, ना दूंगे मी। ए लिफ्ट तुझको चाहिए घर तो ऐसे नखरे कर, चल बैठ जा अब मुझे भी जल्दी जाना है घर। तुझे लिफ्ट कार में दे दूं तो गिफ्ट मुझे क्या दोगी, तुझे लिफ्ट कार में दे दूं तो गिफ्ट मुझे क्या दोगी, वादा कर लो होटल में मुझे चाय पिलाओगी, हे वादा कर लो होटल में मुझे चाय पिलाओगी। जा रे जा दीवाने जा मेरे पीछे ना, आईने में शक्ल अपनी तूने देखी है क्या, जा जा दीवाने जा मेरे पीछे ना, आईने में शक्ल अपनी तूने देखी है क्या। जाने मन ओ गुल बदन, सामने मैं हूँ
तेरे चेहरा तू क्या देखती है, देख ले दिल को मेरे। ले लो लिप, ले लो लिप, ना दूंगी, ना दूंगी। अरे जाने मन ओ गुल बदन, सामने मैं हूँ तेरे, चेहरा तू क्या देखती है, देख ले दिल को मेरे। चेहरे से लगता है मजनू मुझे, पर कोई लैला मिलेगी ना तुझे। तुझे लिफ्ट कार में दे दू तो गिफ्ट मुझे क्या दोगी, तुझे लिफ्ट कार में दे दू तो गिफ्ट मुझे क्या दोगी। वादा कर लो होटल में मुझे चाय पिलाओगी, हर वादा कर लो होटल में मुझे चाय पिलाओगी। जाने जा दीवानी जा मेरे पीछे ना, आईने में शक्ल अपनी सुने देती है क्या। जा जा दीवानी जा मेरे पीछे ना, आईने में शक्ल अपनी सुने देती। हमें राजा ठाकुर कहते हैं, गब्बर हमारा भाई है, 7 तारीख को उसकी रिहाई हो जानी चाहिए। ये रही आपका फैसला बदलने की कीमत। धर्माधिकारी का फैसला ना आज तक कभी बिका है और ना कभी बिकेगा। हटाओ ये रद्दी के टुकड़े। धर्माधिकारी, शायद तुम जानते नहीं हो, मेरे लिए इंसानी जिंदगी की कीमत कुछ भी नहीं है। मैं जानता हूं, लेकिन तुम भूल रहे हो कि तुम्हारी जगह मुजरिमों के कटघरे में है, इंसाफ की कुर्सी पर नहीं। धर्माधिकारी, हम वो कुर्सी ही पलट देते हैं जो हमारे खिलाफ सर उठाती है, हम वो कलम तोड़ देते हैं जो हमारे खिलाफ इंसाफ करती है। कलम और बंदूक की जंग में जीत हमेशा कलम की ही हुई है और कलम की ही होगी। फैसला तो तुम वही लिखोगे धर्माधिकारी जो हम चाहेंगे। ओम स्वाहा। सर केस देखिए, आप फिक्र मत कीजिए। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। जस्टिस धर्माधिकारी की अदालत में आज हमारा एक पेचीदा केस है जी, जिसे मिस्टर धनंजय लड़ने जा रहे हैं। हम भी तैयारी में हैं। गुड मॉर्निंग सर। खून भी किया होगा तो बच जाएंगे। धनंजय साहब जिसकी भी तरफ से केस लड़ते हैं, जज को सजा सुनाना भी मुश्किल हो जाता है। योर ऑनर, मैं एडवोकेट धनंजय अपने क्लाइंट मिस्टर गब्बर की तरफ से अपना वकालतनामा पेश करता हूं और अदालत से यह दरखास्त करता हूं कि मुझे ये केस लड़ने की इजाजत दी जाए। इजाजत है। थैंक यू योर ऑनर। योर ऑनर, मेरे क्लाइंट मिस्टर गब्बर पर यह इल्जाम लगाया गया है कि इन्होंने मुरली थिवानी नाम के एक आदमी की कैंटीन को हथियार कर उस पर गैर कानूनी धंधा शुरू किया है, लेकिन जिस कैंटीन का जिक्र यहां किया जा रहा है वो अभी तक उसी मुरली थिवानी के नाम पर है। अगर उस जगह पर कोई ड्रग्स भेजी जाती है तो उसका कसूरवार वही होता है जो उस जगह का मालिक होता है। ये ठीक है कि वो जगह मुरली थिवानी के नाम है, परंतु उस जगह पर मुलजिम गब्बर ने जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है। मिस्टर पब्लिक प्रोसिक्यूटर,
क्या मिस्टर मुरली थिवानी ने उस शख्स के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट की जिसने उसकी कैंटीन पर जबरदस्ती कब्जा किया, या कोई उसके खिलाफ कोई मुकदमा किया? कोई सबूत? सबूत है, ये स्टैम्प पेपर जिस पर गब्बर के दस्तखत हैं। क्या ये दस्तखत तुम्हारे हैं? जी हां, मगर विशाल ने स्टैंप पेपर पर दस्तखत मुझसे धोखे से करवाए। स्टैंप पेपर पे कोई कैसे धोखे से दस्तखत करवा सकता है? बिल्कुल उसी तरह योर ऑनर जिस तरह इस कागज पर आपके दस्तखत है, और ये पेपर मेरे क्लाइंट मिस्टर गब्बर और आपके दरमियान पार्टनरशिप का एक एग्रीमेंट है। मिस्टर धनंजय, आप अदालत पर इल्जाम लगा रहे हैं। आई एम सॉरी योर ऑनर, ये पेपर झूठा है बिल्कुल उसी तरह जिस तरह विशाल का ये पेपर झूठा है। मुझे अपना पॉइंट साबित करने के लिए आपको ये धोखा देना पड़ा। योर ऑनर ये देखिए, आपने मेरे वकालत नामे पर नहीं बल्कि इस स्टैंप पेपर पर दस्तखत किए हैं। योर ऑनर, मेरा क्लाइंट बेकसूर है, इसलिए अदालत से मेरी यह दरखास्त है कि उसे बाइज्जत बरी कर दिया जाए। दैट्स ऑल योर ऑनर। क्योंकि मुलजिम गब्बर पर लगाया हुआ कोई भी जुर्म साबित नहीं हो सका, इसलिए अदालत यह मुकदमा खारिज करती है और मुलजिम को बाइज्जत रिहा करती है। यह रही आपकी फीस। ये सब मेरा मेरे लिए? ये भी आपके लिए है। ये हुस्ने रेगिस्तान है और ये हुस्ने परिस्तान है। अच्छा मिस्टर धनंजय जी, हमारी एक शर्त है, हर केस में जीत सिर्फ हमारी होनी चाहिए। फॉर योर इंफॉर्मेशन, धनंजय ने आज तक जो भी केस लिया उसमें हमेशा उसी की जीत हुई है। चीयर्स। चीयर्स। हेलो, कौन आप? इस वक्त जस्टिस धर्माधिकारी के छोटे बेटे इंस्पेक्टर पंकज धर्माधिकारी के छोटे भाई विशाल धर्माधिकारी से बात कर रहे हैं। आप कौन बोल रहे हैं? बोलने वालों की जबान बंद करने वाला राजा ठाकुर। राजा ठाकुर भैया, राजा ठाकुर। गिव इट मी। अपनी कामयाबी पर खुश मत होना राजा ठाकुर, तुमने अपने आदमी को बचा तो लिया लेकिन जुर्म और कानून की जंग बहुत लंबी है। हम तुम्हें ज्यादा वक्त नहीं देंगे, बहुत जल्द तुम सलाखों के पीछे बंद नजर आओगे। बाप न मारी मेंढकी, बेटा तीरंदाज। देखो इंस्पेक्टर, कानून ने अभी तक वो सलाखें नहीं बनाई हैं जो राजा ठाकुर को कैद कर सके, और समाज ने भी अभी तक ऐसा कोई मुजरिम पैदा नहीं किया जो कानून से हमेशा बच सके। कानून के बाहर का इंतजार कर राजा ठाकुर। बेवकूफ इतना भी नहीं जानता कि वार करने वाले हाथ कानून के हैं, मगर उनमें ताकत हमारी है। Fire!
लेकिन अब्बा हुजूर आप हैं कौन? शरीफों की दुआ, बदमाशों की सजा। नाम है विशाल। क्या नाम है? पंकज भैया का छोटा भाई हूँ और तुम जैसे बकरों के लिए कसाई। ओम जीना इसी का नाम है। हार हो या जीत, जिंदगी हो या मौत, हंसकर अपनानी चाहिए। होई क्यों कल्याण? चंगेज, अब तुम तलवार उठाने के लायक नहीं रहे। ओम स्वाहा। केस के सिलसिले में आया हूँ, बड़ा परेशान है। गुड मॉर्निंग सर। नमस्ते। सलाम सर। इंस्पेक्टर, मुजरिमों के हाथ इतने लंबे हो गए कि वे कानून के गिरेबान तक पहुंच गए। इससे पहले कि वो हाथ कानून की गर्दन तक पहुंचे, उन हाथों को अपाहिज बना दो। सर, कानून सच्चाई का सूरज है। जुर्म के हाथ कितने भी लंबे क्यों ना हो, सूरज को नहीं छू सकते। मैं आपसे वादा करता हूं, बहुत जल्द मुजरिम सारे सबूतों के साथ आपके सामने होंगे। जिस दिन कानून की तलवार को सबूत की तेज धार मिल जाएगी, उस दिन हमें जुर्म का सर काटने में देर नहीं लगेगी। सर, गुड लक। थैंक यू सर। ओम स्वाहा। क्या नाम है तुम्हारा? जी महेश। कहां से आए हो? गांव से, शोलापुर से। क्या काम कर सकते हो? कुछ भी, मुझे दौलत चाहिए सर, ढेर सारी दौलत। हमारे काम में जोखिम है, जान हथेली पर रखनी पड़ती है। हथेली पे दौलत होगी तो जान की परवाह नहीं सर। हमें वफादारी चाहिए, गद्दारी की कीमत मौत है। मुझे मुझे मंजूर है। ए, काम समझा दो इसे। जी राजा ठाकुर। चलो। थैंक यू वेरी मच सर। पंकज, मुझे हर हाल में सच्चाई का पता लगना चाहिए। आई वॉन्ट टू नो द ट्रूथ, दैट्स ऑल। डैडी, ये लीजिए। क्या ये? डैडी कहते हैं कि जिंदगी की पहली कमाई घर के बड़े बुजुर्ग के हाथ में देनी चाहिए। ये मेरी पहली कमाई। लेकिन इस घर के बड़े बुजुर्ग तो हम हैं। क्यों डैडी? क्या काम शुरू किया तुमने? जी डैडी, स्टॉक एक्सचेंज में एक बड़े शेयर ब्रोकर के साथ काम कर रहा हूं। क्या? कमिश्नर किरण श्रॉफ का बेटा स्टॉक्स की दलाली करेगा? महेश, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं तुम्हें एक डॉक्टर बनाना चाहता हूं। लेकिन डैडी, डैडी डॉक्टर में रखा ही क्या है? एक तो 6 साल पढ़ो, फिर 2 साल रेसिडेंसी करो, और फिर लोगों के बीमार होने की दुआएं मांगो। डैडी, 6 साल में तुम्हें करोड़ों कमा लूंगा। ये ख्वाब देखना बंद करो महेश, और जिंदगी को जुआ समझने की गलती मत करना, पछताओगे। तुम्हारा ये करोड़पति बनने का ख्वाब तुम्हें किसी गलत रास्ते पर जरूर ले जाएगा, क्योंकि हर बड़ी दौलत के पीछे कोई ना कोई जुर्म जरूर होता है, और तुम्हारा बाप जुर्म का दुश्मन है। अगर मुझे पता चला कि मेरे बेटे ने जुर्म का रास्ता इख्तियार किया है ना महेश, तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा, बिलीव मी। ये लो, We don't want this money in this house. Understand? भैया, डैडी की बातों का बुरा मत मानना भैया। मैं जानती हूँ तुम डॉक्टर नहीं बनना चाहते। तो फिर डैडी मुझे मजबूर क्यों कर रहे हैं? To hell with it. मैं पैसा कमाना चाहता हूँ। I want to be rich. पैसा जरूर कमाओ भैया, लेकिन ऐसे तरीके से नहीं जिससे कि मुझे तुम्हें अपना भाई कहते हुए शर्म आए। भैया, हेलो। हेलो, मैं विशाल बोल रहा हूँ। फोन बंद मत करना, वरना मेरी दिल की धड़कनें बंद हो जाएगी। जानम, मैं बहुत बेचैन हूँ, बहुत बेकरार हूँ। बोलो, कब मिलती हो? बोलो ना। मैंने तो मिलने का कोई वादा नहीं किया था, क्यों मिलूं? पिछले 24 घंटों से तुम्हारी आंखों के इलाके से तड़ी पार हूँ जानम,
तुम्हारे रहम का तलबगार हूं। शाम को हैंगिंग गार्डन में तुम्हारा इंतजार करूंगा। सी यू मेरे यार, मेरे प्यार। मैं नहीं मिलूंगी। क्या बोलता है? यार वार कहने से लड़की नहीं पटती चाचू। फिर कैसे पटती है? कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा। चाचू सोचो मत, जल्दी से लव लेटर लिखो और साथ में 20 का नोट दे दो मुझे। 20 का नोट क्यों? चाचू क्या करूं, ये कबूतर बेचारा भूखे पेट तो नहीं उड़ता ना। और चलाक हो गया तू आजकल, ठीक करना पड़ेगा तुझे। हैं? ये ले। असली है। चलो बाय बाय, सी यू। अरे रवि। चाचू मेरे चाचू। क्या हुआ तुम्हारे चाचू को? गार्डन में आपका इंतजार करते करते बेहोश हो गए। बेहोश? बेहोश होने से पहले उन्होंने ये चिट्ठी भेजी है। चिट्ठी बाद में पढ़ना, पहले 20 रुपए निकालो। 20 रुपए किसलिए? किसलिए? चिट्ठी लाने के। मैं कोई कबूतर थोड़ी हूँ जो उड़ के आ जाऊंगा आसमान से। ऑटो रिक्शा से आया हूँ, जल्दी करो, मीठा बन रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। ओह हे भगवान, थैंक यू। इससे कहते हैं पॉलिटिक्स, पहले अपनी जेब की सोचो। मेरा काम भी हो गया और चाचू का भी। चलो रिक्शा वाले। Jack and Jill went up the hill to fetch a pail of water. Jack fell down and broke his crown, and Jill came tumbling after. Jack and Jill went up the hill to kar de mere hawale dil. Twinkle twinkle little star, main karti hu tumse pyar. Jack and Jill went up the hill to kar de mere hawale dil. Twinkle twinkle little star, main karti hu tumse pyar. Mere yaar, mere pyar. स्टार मैं करता हूँ तुमसे प्यार। जब इंजल बन का बहिल तो कर दे मेरे हवाले दिल। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार मैं करता हूँ तुमसे प्यार। मेरे प्यार ओ मेरे यार, मेरे प्यार मेरे यार, मेरे यार मेरे प्यार, मेरे प्यार है ना मिलती ना मुझसे बातें करती हो, कैसा प्यार है। लड़की हूँ मैं, मेरी भी है कुछ मजबूरियाँ। लड़की हूँ मैं, मानूंगा ये बात तभी मैं, आज मिली तो कल भी मिल। जब इंजल बन का बहल तो कर दे मेरे हवाले दिल। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार मैं करता हूँ तुमसे प्यार।
रहती हूँ मैं Jack and Jill went up the hill to kar de mere hawale dil Twinkle twinkle little star main karti hu tumse pyar Jack and Jill went up the hill to kar de mere hawale dil Twinkle twinkle little star main karti hu tumse pyar Jack and Jill went up the hill to kar de mere hawale dil Twinkle twinkle little star main karti hu tumse pyar मेरे यार मेरे प्यार ओ मेरे यार ओ मेरे प्यार मेरे प्यार ओ मेरे यार ओ मेरे प्यार ओ मेरे यार बेचैन हूँ बेकरार हूँ तो जाके ठंडा पानी पी ले ना ये प्यास ठंडे पानी से बुझने वाली नहीं है बहन भाइयों लक्ष्मी ये प्यास तो मेरे अंदर से जलती हुई एक आग है यानी कि अंगार तो ये ले आग बुझाने वाला सिलेंडर मुंह को लगा ले प्यास भी बुझ जाएगी और आग भी बुझ जाएगी मेरी आग बुझाने वाला सिलेंडर तो तुम हो मैं आग बुझाने वाला सिलेंडर नहीं मैं मसाला पीसने वाला ग्राइंडर हूँ पास आएगा तो पीस के रख दूंगी सभी सच भगवान तू सुन रहा है लक्ष्मी मुझे पीसने को तैयार हो गई है लक्ष्मी सोर्स पीस मगर धीरे से मेरा अंग अंग पीस फिर देख मेरे प्यार का रंग कैसा खिलता है मुझे? तो आ गए चाचू ओ तो ये सब तेरा काम है हाँ बड़ी मेहनत की है सोच रहा हूँ ये सब दादू को दिखा दूँ ब्लैकमेल करता है तो निकालो मेरी मेहनत की कीमत विशाल 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 हाँ भाभी अरे क्या कर रहे तू चाचू जल्दी खोलो ये अंदर मुझे अंदर क्यों बंद किया रवि है भाभी खोलता हूँ ना चाचू खोलो आ जा रवि तू अंदर क्या कर रहा था मैं ये नहीं 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 तेरे हाथ में क्या है दिखा दिखा कौन है ये वो भाभी चालू बोल दिया तू जानता है इसे हाँ मेरी फ्रेंड है होटल में मिली थी चाचू भी थे अच्छा तो आजकल लड़कियों को होटल में खाना खिलाया जा रहा है वो भाभी क्या भाभी क्या तू चाहता है ना कि मैं इसके घर वालों से बात करूं जी हाँ अब बता ना वो श्रॉफ साहब की बेटी है अपने श्रॉफ साहब की जी अच्छा बहुत सोच समझ कर हाथ मारा है ना सर उन बदमाशों ने अपनी जबानें खोल दी हैं जिन्हें हमने पकड़ा था यस सर राइट सर कम ऑन मूव यस सर हे डोंट मूव गिरफ्तार करो सबको ले चलो ए डोंट मूव अरेस्ट करो सारा माल जब्त करो ले चलो आज की ताजा खबर राजा ठाकुर के अड्डों पर पुलिस ने छापा मारा आज की ताजा खबर आज की ताजा खबर आज की ताजा खबर राजा ठाकुर के अड्डों पर पुलिस ने छापा मारा आज की ताजा खबर राजा ठाकुर के अड्डों पर पुलिस ने छापा मारा आज की ताजा खबर राजा ठाकुर के अड्डों पर पुलिस ने छापा मारा आज की ताजा खबर राजा ठाकुर के अड्डों पर हमला पंकज की बहादुरी नहीं तुम सबकी कमजोरी है और कमजोर लोगों की राजा ठाकुर के दरबार में कोई जगह नहीं है हमने पुलिस का मुकाबला किया था राजा ठाकुर लेकिन और हार गए हारे हुए सिपाही और मोहरों से जिंदगी की कोई बाजी नहीं जीती जाती हार से राजा ठाकुर को नफरत है
सख्त नफरत है। ओहो, राजा ठाकुर कानून के एक ही बार चीज इतना तिल मिला गए। जो कानून राजा ठाकुर का नुकसान करेगा उसका सर काट कर फेंक दूंगा मैं। और फिर मुझे बुलाकर कहोगे कि मेरे जिस्म पर कानून के खून के जो डब्बे पड़े हैं उन्हें मिटा दीजिए। अरे कब तक मिटाता रहूंगा मैं तुम्हारे जो डब्बे हैं? जब तक तुमको उसकी फीस मिलती रहेगी। मिस्टर धनंजय, मुझे जज धर्माधिकारी के खानदान का खून करना है। तुमको यहां इसलिए बुलाया गया है कि उस खून का इल्जाम मेरे ऊपर नहीं आना चाहिए। पर ये सब कैसे हो सकता है? ये सोचना तुम्हारा काम है। मेरी आंखों में खून सवार है। खून खून करके तुमने मेरे दिमाग की नसों को फाड़ डाला है। मैं सोचूंगा क्या? खैर एक बात बताओ, तुम्हारा कोई भरोसे वाला आदमी है? किस काम के लिए? इन्हें जेल भिजवाने के लिए। मिस्टर धनंजय, तुम्हारा काम खून करना है। तुम अपना काम करो, मुझे अपना काम करने दो। मेरा काम तुम्हें कानून की नजरों में बेगुनाह साबित करना है। हाँ, होटल को चारों तरफ से घेर लो। सब कमरों की अच्छी तरह तलाशी लो। सब लड़कियों को बाहर लाओ। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? चारमारी चाहिए आपको। आप लोग होटल चलाते हैं या ब्रॉथल? क्या बात कर रहे हैं साहब, किसी ने आपको गलत इंफॉर्मेशन दिए। गलत सही का पता भी लग जाएगा। ओ, तो आप भी यहां मौजूद है? आई बेग योर पार्डन, यू टॉकिंग, ही इज टॉकिंग, व्हाट डज ही मीन? तो शहर का इतना बड़ा नामी वकील अब वेश्याओं को भी डिफेंड करेगा? I don't know what rubbish are you talking, Mister. I'm sorry. You just wait. Raja Thakur. हिम्मत, ये क्या कर रहे हो? इन हथकड़ी क्यों लगा रहे हो? मैं गिरफ्तारी का वारंट लेकर आया हूं। शांति शांति, कानून को अपना काम करने दो। शांति, कोई कानून अपने हाथ में ना ले। शांति, मैंने कहा था ना राजा ठाकुर, समाज ने अभी तक ऐसा कोई मुजरिम पैदा नहीं किया जो कानून से हमेशा बच सके, और आज के बाद कानून के सामने सर नीचा रखना राजा ठाकुर। तुम शैतान हो तो कानून शैतानों का सर काटने वाला भगवान है, भगवान, समझे? ओम स्वाहा। क्या तुम पुलिस ट्रेनिंग के लिए जा रही हो? यस। अरे क्यों इस खूबसूरत जवानी को उस खाकी वर्दी पर कुर्बान कर रही हो? मैं तो तुम्हें उस वर्दी में देखने का रिस्क भी नहीं ले सकता। ना सही, मत देखो, मैं तो फिर भी जाऊंगी। क्या जाऊंगी जाऊंगी की रट लगा रखी है? पुलिस फोर्स कोई गुलिस्तान नहीं है। वहाँ सामना करना पड़ता है खूंखार मुजरिमों का, जिनकी हवस से भरी नजरें तुम्हारे जिस्म का हर वक्त मुआयना करती रहेंगी, और मौका पाते ही। फिर भी मैं जाऊंगी, मैं जाऊंगी। जाओ जाओ जाओ, लेकिन तुम्हें मेरी याद आएगी, जानती हो कब? कब? जब तुम किसी तूफानी रात में सर से पांव तक भीगी हुई किसी मुजरिम के हाथ लग जाओगी, वो तुम्हें अपनी बाहों में जकड़ लेगा मेरी तरह, फिर तुम चीखोगी, अपने आप को उसकी बाहों से छुड़ाने की कोशिश करोगी। आ,
ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हारी हरकतों का जवाब। एक बात कान खोलकर सुन लो, मैं पुलिस ट्रेनिंग ज्वाइन कर रही हूँ और अगर तुम्हें मेरा साथ चाहिए तो तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा और इस बात का जवाब तुम्हें अभी इसी वक्त देना पड़ेगा। मेरा जवाब जानना चाहती हो ना? यस। तो सुनो, अगर तुम वहाँ गई तो मैं मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हें पुलिस में जाने की इजाजत बिल्कुल नहीं दूंगा। लेकिन डैडी, आप ही तो चाहते थे। हाँ हाँ, मैं चाहता था तब, लेकिन अब? तब तुमने हम में से किसी की बात नहीं सुनी, अब हम भी तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे। टाइम टाइम की बात है। बात यह है विशाल कि पुलिस का महकमा आजकल बड़ा बदनाम, आई मीन खतरनाक हो गया है। भैया विशाल, इस नौकरी में जान को खतरा है बेटा, क्या जरूरत है तुम्हें गुंडे बदमाशों को अपना दुश्मन बनाने की? लेकिन माँ, मैंने फैसला कर लिया। हमने भी फैसला कर लिया है, तुम्हें कुछ भी करना है करो, लेकिन पुलिस की नौकरी तुम कतई नहीं करोगे। भैया भैया, कम से कम तुम तो मेरा साथ दो। भैया क्या पुलिस की नौकरी बहादुरों का काम नहीं, दिलेरों का काम नहीं, जाबाजों का काम नहीं? भैया मैं पुलिस में जाकर वो काम करूंगा जो आज तक किसी ने ना किया हो। इसकी बात में सच्चाई है। हाँ माँ जी, आज ये जो कुछ भी कह रहा है दिल से कह रहा है। तो फिर हम भी अपने दिल की बात कह दें। बेटा, इस घर की जज तेरी दादी है और फैसला भी यही सुनाएंगी। धर्माधिकारी परिवार के कानून की धारा 1 के अनुसार तुमने पुलिस में जाने का फैसला करके हम सबका दिल खुशियों से भर दिया है, इसलिए ये परिवार तुम्हें हार्दिक शुभकामनाओं के साथ ट्रेनिंग में जाने की इजाजत देता है। ट्रेनिंग पूरी करके सीधे मेरे पास आना। हाँ माँ, ट्रेनिंग पूरी करके सबसे पहले मैं अपनी माँ को सैल्यूट मारूंगा ऐसे। अपने बेटे को पहली बार वर्दी में देखकर प्यार से नजर उतारूंगी ऐसे। बहुत डांटा ना तुझे? अरे इस डांट को कभी भूलना मत, हम लोग तो चले जाएंगे, ये डांट ही याद रह जाएगी तुझे। भाभी। अरे बस 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 बस, खुश रहो, सुखी रहो और बहुत बड़े अफसर बन जा। मैं कितना भी बड़ा ऑफिसर बन जाऊं, लेकिन मेरे भैया मुझसे हमेशा बड़े रहेंगे। हर आदमी अपने काम से बड़ा होता है विशाल। मुझे तो सबसे ज्यादा खुशी उस दिन होगी जिस दिन मेरा छोटा भाई मुझसे भी बड़ा अफसर बनेगा। ठीक हो? यस सर। सुरक्षित हो? यस सर। गुड, कम से कम सिक्योरिटी यानी सुरक्षा तो सुरक्षित है। यस सर। नो 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 सर। तुम सो सकते हो। जी थैंक यू सर। नहीं 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 नहीं, आइंदा मैं ड्यूटी पे कभी नहीं सोऊंगा सर। अंदर कुछ खबर देनी है? नहीं, हम सीक्रेट मिशन पर हैं। सीक्रेट मिशन? हम चेक करने आए हैं रात को लड़के क्या करते हैं। सीक्रेट मिशन? लेकिन कैंप में सिर्फ लड़के ही तो हैं, बेचारे अकेले लड़के क्या करेंगे? नो चांस। खैर एनीवे, सीक्रेट मिशन। मुझे उल्लू बनाकर पुलिस ट्रेनिंग के लिए भेज दिया, चड्डी बनियान धोने के लिए। ट्रेनिंग के बाद मिलने दो, ऐसा निचोड़ूंगा, ऐसा निचोड़ूंगा कि उसको। क्या हो रहा है? सॉरी सर, सॉरी सर। क्या हो रहा है? मैं अपनी निकर धो रहा था सर, गंदी हो गई थी। क्यों, यहाँ धोबी नहीं आता? यस सर। कुंवारे हो? यस सर। उम्र क्या है? 21 सर। 21 एंड यू हैव नन? यस सर। क्या मतलब यस सर, कोई गर्लफ्रेंड नहीं है तुम्हारी?
नो 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 है सर, है सर। क्या नाम है? उसका नाम शालू है सर, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ सर। कम ऑन अटेंशन। तुम गार्ड से मुझे तुम दोनों के सीक्रेट मिशन के बारे में पता चल गया है। अब यह सीक्रेट मिशन सीक्रेट नहीं रहा। मैं धर्म अधिकारी से तुम दोनों की शादी की बात करूंगा।
थैंक यू अंकल, आपने हमारी जिंदगी में खुशियों के रंग भरा। आई लव यू। छोटे साहब का फोन है। छोटे साहब का फोन है। फोन कहाँ से कर रहा है? पहुंचा क्यों नहीं अभी तक? मैं देखता हूँ। चाची का फोन। हेलो। हेलो पंकज भैया। क्या हुआ भाई, कहाँ हो तुम? भैया मेरी टैक्सी खपोली के पास खराब हो गई है, मैकेनिक बुलाया है, पहुंचने में थोड़ी देर लग जाएगी। अरे रे चाचू। हेलो रवि। आज होली है ना, के मत आना। क्यों? क्योंकि मेरा रंगों से भरा हुआ स्विमिंग पूल बेकार हो जाएगा, आपको उसी में नहलाऊंगा। विशाल ऑल द बेस्ट, जल्दी निकलो। अरे हाँ हाँ, यहाँ भी होली का बहुत हंगामा है, जल्दी आओ। हाँ मैं जितनी जल्दी हो सके पहुँचता हूँ। ओके ठीक है। चाचू आएंगे, मेरे चाचू आएंगे। डैडी वो अभी थोड़ी देर में पहुँच जाएगा। अच्छा आज तुम्हें तेरा ऐसा मुख काला करूंगी। कर कर कर। अरे उम्र गुजर गई, इसकी उम्मीद में करना। मैं तवे की काले फुट कर लाओ। मैं तवे की काले लेकर आ गई। बल्कि मुझे अरे नहीं नहीं नहीं, छोड़ो छोड़ो, आज तुम लोगों को छुट्टी, होली खेलो काला काला। मम्मी मैं भी चलूंगा, मैं भी चलूंगा। काला करेगी, करना काला सोना काला पत्थर। अरे इस काली के साथ ब्याह कर ले गोरी। ये क्या भौजी, इतनी सी भजिया? अरे और बनाऊंगा। मम्मी मैं नहीं भजिया बनाऊंगा, मैं भी बनाऊंगा। का कुरमुरिया? हां अरे आप ही तो लीजिए ना। अरे यही सब। अरे शर्माइए मत, शादी के यहां नहीं चलना था। अच्छा बाय। ओके बाय। अरे मैंने आपके साथ तो होली खेली ही नहीं। डैडी डैडी मेरी तरफ से भी। हमारी तरफ से भी। अरे छोड़ ना, बहुत हो गया। प्यार का रंग भी क्या कभी बहुत होता है? ये तो जितना एक दूसरे के ऊपर फेंको उतना ही गहरा होकर दिलों में उतरता है। तेरा मेरा रंग कब गहरा होगा? गहरा गहरा गहरा। अरे छोड़ के ले जा गोरी, बिन तेरे जिंदगी है तो। लक्ष्मी 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 फोन कीजिए जल्दी। डैडी जल्दी आइए जल्दी। न्याय मूर्ति धर्माधिकारी, अब तेरा न्याय करने का वक्त खत्म हो गया। बस अब तो सिर्फ मूर्ति बनकर रह जाएगा। कानून की इस लाइब्रेरी में लटकी हुई एक तस्वीर की तरह। इसी कानून से तूने लोगों के गले में फंदे डाले थे ना, आज तेरे इसी कानून को मैं तेरे गले में फंदा बना के डाल दूंगा। नहीं, नहीं, नहीं।
नहीं नहीं आइए 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 आइए, मैंने आपकी कोठी के ताले का मुंह अपने मुंह की तरह खुला रखा है। ये जाते वक्त नहीं थी, नहीं थी 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 थी, मेरी नजर नहीं पड़ी होगी ठाकुर साहब, और कैसे पड़ती, आपने मेरी आंखों के सामने नोटों की दीवार खड़ी कर रखी थी। इन हीरों से मेरी आंखों की रोशनी बढ़ा दीजिए ठाकुर साहब, मुझे रोशनी की सख्त जरूरत है। अगर जबान खोली तो रोशनी हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। जब तक आप जैसे रिश्वत देने वाले जिंदा हैं, मेरी आंखों की रोशनी बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी। विशाल, आपके 650 रुपए होते हैं, ये लो 750 होली। शुक्रिया जी, होली दी बहुत बहुत मुबारक। आपको भी। रवि, पंकज भैया, किसी ने जज साहब, पंकज, भाभी जी को, करके सीधे मेरे पास आना। अपने बेटे को पहली बार वर्दी में देखकर प्यार से नजर उतारूंगी। माँ, वाह, देख तेरा बेटा पहली बार वर्दी पहनकर घर आया है। कैसी नजर उतारी तूने? मैं खुद चाहता हूं कि पंकज की तरह यह भी पुलिस में भर्ती हो जाए, पर इसका तो कुछ समझ में ही नहीं आता। पिताजी, आपका सपना पूरा होने का वक्त आया तो मुझे तो सबसे ज्यादा खुशी उस दिन होगी जिस दिन मेरा छोटा भाई मुझसे भी बड़ा अफसर बनेगा। भैया, भैया अपनी खुशी पूरी तो होते देख लेते, एक बार मुझे अपने गले से लगा लीजिए भैया, सिर्फ एक बार। वो दोनों ठीक है बेटा, वो दोनों ठीक है। चाचू।
दादी को, दादा को, पापा को, सबको मार डाला चाचू। भाभी। भाभी। विशाल। 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 हम बर्बाद हो गए विशाल, हमसे सब कुछ छीन लिया गया। Yes, come in. Mr. Dhananjay, आपका तो खून? यही तो मैं भी पूछने आया हूं कि मेरे कत्ल की खबर किसने फैलाई है, किसने शिनाख्त की कि मरने वाला धनंजय था? आप अब तक कहां थे? मैं कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर किया गया कि पुलिस को मौका मिल गया मुझे मुर्दा साबित करने का, और फिर ऊपर से हद ये है कि आपने मेरे ही कत्ल के इल्जाम में राजा ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या पुलिस के पास मरने वाले का कोई सबूत, कोई फोटो या कोई निशानी है? अगर है तो मुझे दिखाइए, मैं देखना चाहता हूं। कमर स्वामी, हैरानगी की बात तो यह है कि पुलिस को आज तक लाश ही नहीं मिली। वो लाश किसकी थी? ये पता लगाना मेरा काम नहीं, पुलिस का है। मैं तो आज ही जिंदा आदमी को लाश में बदलने के लिए पुलिस के खिलाफ मुकदमा दायर करूंगा, और वो शरीफ आदमी राजा ठाकुर को झूठे इल्जाम से तो बरी कीजिए। लाइए, मैं उसकी जमानत देता हूं। आप बैठिए, राजा ठाकुर की रिहाई तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर अदालत से ही करेंगे। मैं जानता हूं, आई नो इट वेरी वेल, मैं खुद पब्लिक प्रोसिक्यूटर से बात करता हूं। हेलो, राजा ठाकुर की जय, 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 जय हो, जय हो। जय हो प्रभु। वाह, आइए आइए। वाह, स्वागतम स्वागतम। कारागार में किसी प्रकार का कष्ट तो नहीं हुआ? ये क्या कम कष्ट है कि हमें इतने दिन जेल में रहना पड़ा? कहां गई तुम्हारी नेतागिरी, कहां गई तुम्हारी कुर्सी की पावर? शांति। अरे राजा ठाकुर, इधर आप जेल में थे, उधर मंत्री जी और हम पूरी दिल्ली हिला रहे थे। अरे सारी सेक्रेटरीट उठकर खड़ी हो गई। पूछो और मंत्री जी के कार्यालय में क्या हुआ जरा बताना। अरे खुद ही बता दो। अरे मंत्री जी भरी मीटिंग में खड़े होकर सबके सामने मुझे सीने से लगा लिया, और आप कहते हैं कि कहां थे हम इतने दिनों तक? अरे वो तो अयोध्या का मामला कुछ ज्यादा ही लंबा खींच गया, वरना उसी दिन शाम को मुझे भोजन पे बुलवाया था, वैसे मैं गया नहीं था, वरना आपकी तो फूत फोन पर ही खुलवा देता। हथकड़ी हथकड़ी। और एक खुशखबरी सुनाता हूं, जेल से छूटने के बाद आपका नाम देशभक्तों में लिया जा रहा है। देशभक्त राजा ठाकुर, नमस्ते जय हिंद। राजा ठाकुर को छोड़ कैसे दिया आपने? Put him behind bars, hang him. Cool down, विशाल, cool down. बैठो, आओ। मैं बैठने नहीं आया अंकल, मुझे राजा ठाकुर की गिरफ्तारी चाहिए। मैं तुम्हारे जज्बात समझता हूं विशाल, और अब तो तुम खुद एक पुलिस अफसर हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि हम उसे हथकड़ी नहीं लगा सकते। क्यों नहीं? इसलिए कि एक हथकड़ी कानून ने हमें भी पहना रखी है, और वो है सबूत की हथकड़ी। सबूत? अंकल सारा शहर जानता है कि राजा ठाकुर की दुश्मनी मेरे पिताजी के साथ थी,
मेरे घर वालों को मारा इसलिए गया कि पंकज भैया ने उसे जेल में बंद कर दिया था। मेरी भाभी ने खुद उसे अपनी आंखों से देखा है। मगर जेल के रिकॉर्ड में उस वक्त राजा ठाकुर जेल के अंदर था। अगर हम उसे गिरफ्तार कर भी लेंगे तो क्या केस बनाएंगे उस पर? क्या साबित करेंगे अदालत में? यानी इस देश में इंसाफ नाम की कोई चीज ही नहीं? इंसाफ खुद जाकर जुर्म नहीं देखता विशाल, सबूतों के जरिए उसे जुर्म दिखाना पड़ता है। और जो लोग जुर्म पे पर्दा डालने में कामयाब हो जाते हैं बच निकलते हैं। तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसकी जिम्मेदार है गैर कानूनी तरीके से कमाई गई दौलत, जो गलत हाथों में आकर एक ताकत बन गई है। इसकी जिम्मेदार है सियासत, जो इस ताकत का सहारा लेकर हुकूमतें संभालती है। और सच पूछो तो इसकी जिम्मेदार है शराफत, जिसने शर्म से अपना मुंह छुपा लिया है। जनता की शराफत अपनी ताकत को भूल गई है विशाल, भूल गई है कि अगर वह हुकूमतें बना सकती है तो हुकूमतें बदल भी सकती है। कसूर जनता का है विशाल। हम तो कानून के सिपाही हैं, कानून की हिफाजत करना हमारा फर्ज है। और कानून किसी को सजा देने से पहले सबूत मांगता है। सबूत सबूत सबूत, तो आप कुछ नहीं कर सकते। एक पुलिस कमिश्नर कुछ नहीं कर सकता। तो मैंने यह वर्दी क्यों पहनी है? नहीं चाहिए मुझे यह वर्दी। अगर यह जुर्म रोक नहीं सकती, मुजरिम पकड़ नहीं सकती, सजावार को सजा दे नहीं सकती, तो क्या फायदा इसका? कमिश्नर साहब, सबूत की आड़ लेकर अगर राजा ठाकुर खून कर सकता है और कानून को अंगूठा दिखा सकता है, तो मैं कानून को हाथ दिखाऊंगा, वो भी दूर से। गुड बाय।
जितने दिए जालिम वो सब है हमने सहे। मेरे दिल पे किए हैं जो तुमने सितम, लौटा देंगे वो खाते हैं कसम, लौटा देंगे वो खाते हैं कसम। राजा ठाकुर, तुम्हें जेल भजवाने के लिए मैंने अपने जुड़वा भाई संजय को, जो कि अमेरिका से अचानक तमाम खानदानी जायदाद पर कब्जा करने के लिए आ पहुंचा था, तुम्हारे हाथों मैंने उसे इंस्पेक्टर पंकज के सामने मरवा दिया और उसी की लाश को आपने ही एम्बुलेंस में गायब करवा दिया। पुलिस आज तक उसकी लाश को ढूंढ रही है और अभी तक मालूम नहीं कर सकी कि मरने वाला कौन था। और सबूतों की कमी की वजह से अदालत को तुम्हें छोड़ना पड़ा। लेकिन एक बात बताओ राजा ठाकुर, ये जज धर्माधिकारी से तुम्हारी दुश्मनी क्या थी? धर्माधिकारी मुझे अदालत का वो दिन आज भी याद है जब उसने मेरे पिताजी को फांसी की सजा सुनाई थी। कानून की नजर में महाराजा सिंह ठाकुर शुरू से ही शहर का एक नामी गुंडा, स्मगलर और रेपिस्ट रह चुका है। 6 बार जेल की सजा काटने के बाद भी इसने जुर्म से तौबा नहीं की बल्कि कानून को अपना एक खिलौना समझा। इस मुकदमे में बिना किसी शक को शुबा के साबित हो चुका है कि महाराजा सिंह ठाकुर ने 2 नाबालिग बहनों शांता और कांता की अस्मत लूटी, फिर बड़ी बेरहमी के साथ उनका कत्ल कर दिया। इसलिए इस अदालत के पास महाराजा सिंह ठाकुर के लिए रहम की कोई गुंजाइश नहीं है। महाराजा सिंह पर तू रहम खाएगा तू? अरे तेरी औकात क्या है जज? महाराजा सिंह के खौफ से तो वो रहीम, वो भगवान भी रहम मानता है। ऑर्डर, ऑर्डर। ये अदालत महाराजा सिंह ठाकुर को सजाए मौत सुनाती है। To be hanged till death. बेटे, बेटे। ओम स्वाहा। धर्माधिकारी! उस दिन मैंने अपने आप से वादा किया कि धर्माधिकारी के खानदान को खत्म कर दूंगा। ओम स्वाहा। मैं वार करूंगा और मुझसे सबूत मांगने वाले खुद सबूत ढूंढेंगे। मुझे
कसम है, कसम है आप लोगों के खून की। उन दरिद्रों पे किया हुआ मेरा कोई बार खाली नहीं जाएगा और उन बारों की चोट कानून भी बराबर महसूस करेगा, क्योंकि बारूद में आग लग चुकी है जिससे एक धमाका होगा और उस धमाके से आप लोगों को मौत की नींद सुलाने वाले हमेशा के लिए चलकर राख हो जाएंगे। विशाल, वाह विशाल, आज ये देखकर मुझे हैरानी हो रही है कि कानून की गोद में पला हुआ मेरा देवर आज मुजरिमों की भाषा बोल रहा है। भूल गया अपने बाप दादा की वो इज्जत जो उन्होंने कानून की रखवाली करते हुए कमाई थी? मुझे तो सिर्फ इनकी मौत याद है और मैं इनकी मौत का बदला जरूर लूंगा, लेकिन कानून के सहारे नहीं, क्योंकि कानून तो अंधा है और मैं अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए किसी अंधे का सहारा नहीं लूंगा। ठहरो विशाल, तो फिर तू मेरा फैसला भी सुन ले। तेरे लिए उस घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे जहां कानून का एक दर्जा है और उसे सच्चे मन से पूजा जाता है। विशाल, पिछले 10 दिनों से मेरे हॉस्पिटल में आपकी तरफ से ब्लड सप्लाई नहीं हुआ सर। और सर, मेरे यहाँ 3 पेशेंट्स पिछले 1 हफ्ते से किडनीज की मांग कर रहे हैं। जब से आप सरकारी मेहमान बने थे उस दिन से हमारा कारोबार ठप हो गया सर। आप लोग चिंता मत कीजिए, कल से आप लोगों का कारोबार फिर से शुरू हो जाएगा। ओम स्वाहा। थैंक यू सर। राजा ठाकुर, गब्बर, राजा ठाकुर, क्या सोच कर लाया है तू ये समाधियां? सोचे सब खत्म हो गए, अब तो इरादा है इस तोहफे को सच कर दिखाने का। इरादा कर लेने से आसमान मुट्ठी में नहीं आ जाता लड़के, वैसे भी तेरे हाथ बहुत छोटे हैं और आसमान बहुत बड़ा, बहुत ऊंचा। मैं उस बड़े, उस ऊंचे आसमान को जमीन पर पटकने आया हूं। खुश किस्मत था तू जो उस दिन घर पर नहीं था, कुछ दिन और जिंदा रहने की मोहलत मिल गई है तुझे, वरना उस दिन आसमान से टूटती हुई बिजलियों को देखता, अपनी आंखों से देखता तेरा पास। साले इंस्पेक्टर पंकज मेरी हर एक गोली पर तड़पता हुआ हवा में उछला था। अरे देखना तो चाहिए था तुझे तेरी मां को, उस मां को जिसकी कोख से तूने जन्म लिया। मेरी एक गोली ने उसकी कोख फाड़ डाली। तेरे बाप न्यायमूर्ति धर्माधिकारी के साथ मैंने कितना सच्चा इंसाफ किया। सजा देने वाली कलम थी मेरी बंदूक, सरकारी कागज था तेरे बाप का सीना और स्याही थी तेरे बाप का खून। उस दिन मैंने सिर्फ एक ही रंग की होली खेली, खून की होली। बस तुझे रंगना बाकी था। ओम स्वाहा। Thank you.
विशाल क्यों नहीं समझता? खून की इस होली में सब कुछ तो जल गया है हमारा, और अगर वो भी इस आग की लपेट में आ गया तो क्या बचेगा इस घर का बाबूजी? क्या बचेगा, क्या बचेगा? रवि चलो आंटी, मामी। भाभी। रवि। भाभी। शालू, शालू तू ही विशाल को समझा। उसकी आंखों में खून उतर आया है, वो हिंसा के रास्ते पर चलने की सोच रहा है, और इस रास्ते पर चलने वालों की वापसी नहीं होती शालू, नहीं होती। कहीं इस बदले की भावना में वो हमसे दूर न चला जाए। हम उसे नहीं खो सकती शालू, उसे नहीं खो सकते। मैं उसे वापस लाऊंगी भाभी, मैं उसे वापस लाऊंगी। बस समझ लीजिए कि दिल्ली में आपका काम हो गया। तुम जानते हो ना, गद्दारी की सजा मौत है। नहीं राजा ठाकुर, मैंने कोई गद्दारी नहीं की है। झूठ बोला तुमने हम लोगों से, असलियत छिपाई है कि तुम कमिश्नर किरण श्रॉफ के बेटे हो। और सब कुछ जानते हुए भी तुमने हम लोगों से छुपाया कि तुम्हारी बहन शालू हमारे दुश्मन विशाल की माशूका है, महबूबा है। अब तुम खुद अपनी बहन को यहां लाओगे? खुद नहीं, ये काम मुझसे नहीं होगा। तुम ये काम करोगे जब विशाल को मालूम पड़ेगा कि उसकी महबूबा हमारे कब्जे में है, वो उसे बचाने आएगा। ये काम मुझसे नहीं होगा राजा ठाकुर। याद है तुमने कहा था कि हथेली में दौलत हो तो जान की परवाह नहीं है। आप मेरी जान ले सकते हैं, मैं अपनी बहन के साथ धोखा नहीं कर सकता। राजा ठाकुर को ना सुनने की आदत नहीं है, ले जाओ उसे। ओम स्वाहा। विशाल, मुझे भी अपने साथ ले चलो विशाल। नहीं शालू, ये लड़ाई मुझे अकेले लड़नी है। विशाल, विशाल, लेकिन वो जो कसमें खाई थी एक साथ रहने की विशाल, वो जो वादे किए थे एक साथ जीने मरने के, भूल जाओ उन्हें। मेरी
से बढ़ जाए और गम, तेरा उदास चेहरा जब देखूं मैं सनम, दास्ता दर्द की क्यों सुना के इल्जाम में गिरफ्तार किया जाता है।
अदालत को इस केस के बारे में सारी जानकारी मिल चुकी है, इसलिए वक्त न जाया करते हुए पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपने गवाह पेश करें। इंस्पेक्टर देसाई, आप अदालत को यह बताइए कि आपने मुलजिम को क्यों और कब गिरफ्तार किया? योर ऑनर, 14 जुलाई की रात कार्टर रोड पे मैंने अपनी आंखों से विशाल को महेश का खून करते देखा था और उसे रंगे हाथों गिरफ्तार किया। यह झूठ बोलता है, मैंने कोई खून नहीं किया। ऑर्डर ऑर्डर, आप जा सकते हैं। थैंक यू योर ऑनर। योर ऑनर, मेरे अगले गवाह हैं सोशल वर्कर मिस्टर चतुर्वेदी। मिस्टर चतुर्वेदी, आप मरहूम महेश श्रॉफ को जानते थे? जी हां, मैं शालू श्रॉफ को भी जानता हूं जिसकी वजह से यह खून हुआ। जज साहब, ये लड़की बहुत बदचलन है, इसे तो वेश्या कहना चाहिए। स्टॉप इट, इसे रोकिए जज साहब। ये कैरेक्टर असैसिनेशन है, किसी भी गवाह को एक इज्जतदार पुलिस अफसर के खानदान पर कीचड़ उछालने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। ऑर्डर ऑर्डर, कमिश्नर किरण श्रॉफ, आप अदालत को कानून मत सिखाइए। अगर आप सच्चाई नहीं सुन सकते तो मेहरबानी करके या तो बाहर चले जाइए या फिर बैठ जाइए। बयान जारी रहे। संक्षेप में बात यह है जज साहब, भगवान मरने वाले की आत्मा को शांति दे, वो खुद अपनी बहन की दलाली खाता था। मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा हरामजादे कुत्ते। ऑर्डर ऑर्डर। जज साहब, महेश उस रात शालू को कहीं और ले जाना चाहता था, इस बात पर विशाल और महेश का झगड़ा हुआ। बिस्तर दो हो और लड़की एक तो खून तो होगा ही। कमीने मैं तुझे। ऑर्डर ऑर्डर, आप जा सकते हैं। नमस्ते जय हिंद। योर ऑनर, अब मैं मिस शालू को विटनेस बॉक्स में बुलाना चाहता हूं। मिस शालू, आपसे जो भी पूछा जाएगा उसका जवाब सिर्फ हां या ना में दीजिए। झगड़े के दौरान महेश के हाथ में चाकू था? नहीं। विशाल के हाथ में? विशाल ने चाकू सर। विशाल के हाथ में चाकू था या नहीं? उसने आप सिर्फ हां या ना में जवाब दीजिए। हां, लेकिन मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। ये कैसी अदालत है, गवाह को बोलने क्यों नहीं दिया जा रहा है यहाँ पे? ऑर्डर ऑर्डर। क्या ऑर्डर ऑर्डर, मुझे तो लगता है आप भी इन लोगों के साथ मिले हुए हैं। आपको आखिरी वार्निंग दी जाती है मिस्टर विशाल, प्लीज कंटिन्यू। हाँ तो मिस शालू, जब महेश पर विशाल ने हमला किया तो आपने उसे रोकने की कोशिश की? मैंने तो आपने कोशिश की होगी, आखिर मरहूम आपका भाई था। अच्छा, आप ये बताइए कि जब महेश को चाकू लगा तो क्या उसे हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश की गई? नहीं, नहीं, वो तो वहीं पर। यानी हमला इतना जोरदार था कि महेश ने वहीं दम तोड़ दिया। योर ऑनर, अब शालू से बड़ा इस केस का चश्मदीद गवाह और कौन हो सकता है? जिसका भाई मरा है, उसने भी विशाल को महेश का खून करते देखा है। योर ऑनर, मैं शालू से कोई और सवाल नहीं पूछना चाहता क्योंकि उनकी दिमागी हालत इस वक्त ठीक नहीं है। दैट्स ऑल योर ऑनर। यह अदालत मुजरम विशाल को महेश श्रॉफ के खून का मुजरम मानते हुए इसे दफा 302 के तहत उम्र कैद की सजा का हुक्म सुनाती है। यह फैसला नहीं झूठ है, इंसाफ नहीं, धोखा किया गया है मेरे साथ। मेरे नाम के साथ मुजरिम जोड़ के तूने बहुत बड़ा जुर्म किया है धनंजय। राजा ठाकुर, जेल कोई मौत नहीं जो वापस नहीं आ सकता। ऐसे तड़पा तड़पा के मारूंगा तुझे कि दोबारा जन्म लेने से इनकार कर देगा। फूला भरे थे सभी रास्ते, खुशबू के रंगों से भीगे हुए, लेकिन तूफान कोई ऐसा उठा, प्यार में दो दिल हो गए जुदा। मेरे दिल पे किए जो तुमने सितम, लौटा देंगे वो खाते हैं कसम। ओम
मेरे दिल पे किए हैं जो तुमने सितम। क्यों देख लिया हमारे गिरेबान पर हाथ डालने का अंजाम? हाँ, अब हम तेरे खानदान का गिरेबान फाड़ेंगे। वो जो तेरी खूबसूरत भाभी है ना, रोज उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ाएंगे हम। कपूर भैया, रास्ता दो। आ गए दुश्मने हिंदुस्तान। अरे जरा रुकिए हुजूर, नजर तो उतार लेने दीजिए। हम अपराधियों के नए नेता, हमारे विजेता स्वागत है। विशाल की बर्बादी मुबारक हो। धन्यवाद धन्यवाद। हम वो पहाड़ हैं जिससे टकरा कर आसमान भी पानी पानी हो जाता है। फिर विशाल जैसे पर मारने वाले परिंदे अगर हमसे टकराएंगे तो इसी तरह अपना सर फोड़ते रहेंगे। राजा ठाकुर, अब जब हम जज की कुर्सी पर बैठ ही गए हैं तो आपका हर दिन खुशियों का जलूस होगा और हर शाम जन्नत का नजारा होगा। आज की ये जन्नत आपके नाम मिस्टर धनंजय, विशाल की बर्बादी के मातम का ये जश्न हम लोग मिलकर मनाएंगे। चलो चलो। चलो चुप हो जा शालू, चुप हो जा बेटी। मेरे गमों को इतना मत बढ़ा कि मैं उनके बोझ तले दब के रह जाऊं। तू तो रो के अपना दिल हल्का कर लेगी, लेकिन मैं किसके सामने रोऊं? एक ही बेटा था, मेरा नाम मेरी इज्जत को मिट्टी में मिलाकर चला गया हो। अच्छा हुआ, अच्छा हुआ कि ये सब देखने से पहले तेरी मां चली गई, वरना मैं किस किस के आंसू पोंछता। डैडी, ओ डैडी। तू भी क्या किस्मत लेके आई है बेटी, क्या किस्मत लेके आई है। सारी खुशियां जैसे कोई एक तमाचा मार कर छीन के ले गया, और मैं बाप होते हुए भी अपनी बेटी के लिए कुछ नहीं कर पाया, कुछ नहीं कर पाया मैं। ऐसा मत कहिए डैडी, ऐसा मत कहिए प्लीज, ऐसा मत कहिए। चल बेटी, खाना खाते चल। सुन बेटे, अगर मेरे बस में होता ना तो तेरे प्यार की खातिर मैं खुद फांसी पे चढ़ जाता, लेकिन विशाल झूठ और करप्शन के ऐसे अंधेरे कुएं में ढकेल दिया गया है जहां से उसका बाहर आना नामुमकिन है। ना बेटे, खा ले बेटे। डैडी, विशाल को बचा लीजिए डैडी, उसे बचा लीजिए प्लीज, उसे बचा लीजिए डैडी, उसे बचा लीजिए प्लीज।
मिले खाना। मुझसे तो फिर आंखें क्यों नहीं खोलती? तुम चले जाओगे इसलिए? नहीं जाऊंगा, आई प्रॉमिस। अब तो खोलो। एक छोटी सी मांग है मेरी, अगर वो पूरी करोगे तब आंखें खोलूंगी। अच्छा, बताओ क्या मांग है तुम्हारी? I'm not afraid.
रानी रानी वेट, डोंट वरी बेटा, डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी डैडी। रिवाज के मुताबिक मरने वाले से उसकी आखिरी इच्छा पूछी जाती है। हम तुझसे ये पूछने आए हैं कि तेरी समाधि हम कहां बनाएं। बता दे बच्चे, बता दे, तेरी जिंदगी पर तो हमने मौत की मोहर लगा ही दी है। जिंदगी और मौत की मोहर तो ऊपर वाले के हाथ में है। तेरी फितरत उस कुत्ते जैसी है जो पहाड़ के साए में चलकर सोचता है कि उसने पहाड़ को अपनी पीठ पर उठा लिया है। तू यहां पड़ा पड़ा तड़प, हम तेरी मौत का जश्न मनाने जा रहे हैं। शेर अगर दलदल में फंस जाए तो परिंदे भी चोंच मारने चले आते हैं। खिजड़े की औलाद, हिम्मत है तो दरवाजा खोल। तेरी समाधि इसी जेल में ना बना दी तो मेरा नाम भी विशाल नहीं। विशाल बाबू, चीखने चिल्लाने से दरवाजा नहीं खुलता, गुस्सा करने से खून जलता है, और तुम्हें अपने जिस्म में उस वक्त तक खून की जरूरत है जब तक के ऊपर से बुलावा नहीं आता। जब तक सांस तब तक आग, इसी उम्मीद पे दुनिया कायम है और जेल में मैं कायम हूं, क्या समझे। अच्छा मेरी जान। I love you darling, I love you. मेरी खुशियों पर खून छिड़कने वाले कुत्ते, तेरी रगों का खून क्यों जम गया? है मेरे पिताजी की मौत, यही है ना वो किताब? आइए 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 आइए, मैंने आपकी कोठी का ताला अपने मुंह की तरह खुला रखा है। नहीं समझे? खुश
खुला हुआ मुंह बहुत खतरनाक होता है। अगर किसी के सामने खुल गया तो आपकी हवा बंद हो जाएगी। इसे जल्दी से बंद कर दीजिए। कातिल की तलाश जारी है राजा ठाकुर, हमने पूरी एरिया की नाकाबंदी कर रखी है। सुना तो यकीन ही नहीं आया, कोई राजा ठाकुर के भाई का भी खून कर सकता है। अपने मौत से पहले ही चला गया बेचारा। कौन मुझे बड़ा भाई कहेगा? कौन किसको मैं विकी कहूंगा? है किसका काम है ये? किसने छीना है मेरे भाई को मुझसे? जवाब दो। किस काम के हो तुम और तुम्हारी फोर्स? किस लिए तुम्हारी सरकार? कहां मुंह छुपा लिया है इस शहर की पुलिस ने? कहां दफन कर दिया है कानून को? खून का बदला खून। मुझे मेरे भाई के कातिल की लाश चाहिए, नहीं तो मैं ये शहर पलट दूंगा, कत्लेआम कर दूंगा इस शहर के अंदर, सबको खत्म कर दूंगा। अच्छा आइए सर, आइए सर, आइए। कैदी नंबर 786 विशाल कहाँ है? जी वो राजा ठाकुर का कहना है कि वो जेल से बाहर जाकर एक खून कराया है। अरे क्यों मेरी नौकरी का खून कर रहे हैं ठाकुर साहब? सर जेल के रजिस्टर में ऐसी कोई एंट्री नहीं है जिससे पता चले कि कोई कैदी बाहर गया या बाहर ले जा गया है सर। अब भी अगर यकीन ना हो तो अपनी आंखों से आकर देख लो। आओ जी चलिए। खामखा पुलिस को गालियां देने से आप किसी बेगुनाह पर जुर्म नहीं थोप सकते। ये रहा विशाल, देख लीजिए, और अगर अब भी यकीन ना हो तो जेल का रजिस्टर मंगवाऊं। राम साथी। शांति ठाकुर, शांति। जेल का मामला है, रजिस्टर दिखाऊं ठाकुर साहब? रंडी की औलाद, इतनी जल्दी ग्राहक बदल लिया? अरे रंडी को तो पैसे से मतलब, गाहक चाहे छोटा हो या मोटा। मौत के फरिश्ते, अब हमारे लिए क्या हुकुम है? क्या हम लोग भी अपनी समाधियां बना लें? बना ही लो तो अच्छा है। अब कोई कानून, कोई ताकत तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, कोई छत कोई दीवार तुम्हें छुपा नहीं सकती, कोई इंसान कोई भगवान तुम्हें बचा नहीं सकता। विशाल, ओम स्वाहा। Shalu.
लूंगा मेरा बदला। नहीं छोड़ दो मुझे। विशाल की भाभी माँ कर लो इसका शिकार। मम्मी, मम्मी। जाओ टूट पड़ो। बाहर आ जा। नहीं। आ जा। नहीं। कमर, अगर ये बाहर नहीं आए तो इसके लड़के को गोली मार दो। ये तो वाकई क्या कहते हैं पंजाबी में, हाँ भैया, सुल्फे दी लाट वर्गी कोरी ना के छप्पड़ विचो निकली। तो हराम दादो वैशी दरिंदो, एक औरत की इज्जत का तमाशा बनाते हो। वाह कमिश्नर वाह, बड़े बहादुर हो, राजा ठाकुर के दरबार में अकेले ही मरने चले आए। बांधो इसे। अंकल तेरे जुर्मों का रजिस्टर भर चुका है राजा ठाकुर, कोई पन्ना खाली नहीं बचा, तू भी नहीं बचेगा। तेरे किए हुए एक एक जुर्म की सजा मिलेगी तुझे, एक एक जुर्म की। कौन सजा देगा मुझे? कानून, ये कानून जो मेरे दरबार में बंधा खड़ा है, या तेरा कानून जिसे मैं रोज अपने पैरों के नीचे सौंधता हूं। कमिश्नर, तू माने या न माने, विशाल ने जेल में बैठे बैठे मेरे भाई का खून करके कानून का मजाक उड़ाया है, लेकिन मैं कानून का बलात्कार करूंगा। ये उसी विशाल की भाभी है, भाभी माँ, बहुत इज्जत करता है वो उसकी। आ जाके इसकी बिखरी हुई इज्जत के टुकड़े चुने। गंदे हाथों से इस देवी को छुआ तूने, तेरे इन हाथों की एक एक नस को मसल दूंगा, तोड़ दूंगा तेरे ये दोनों हाथ। इंसाफ के धनी धनंजय, देख रहा है तू, इससे पहले कि ये रस्सी तेरे गले की फांसी का फंदा बने, आजा कुर्सी। आज कत्ल होगा ठीक उसी तरह जिस तरह मेरे अपनों का हुआ था। उस वक्त तो तूने अपने कानूनी दांव पेच से कातिल को बचा लिया था, क्योंकि कानून के पास सबूत नहीं था, लेकिन आज इंसाफ होगा और ये इंसाफ तू करेगा।
क्योंकि आज जज भी तू है और सबूत भी। मैं तुझे देता है लेकिन तुम लोगों की मौत विशाल की प्रतिज्ञा है। अब्बल तो कोई आएगा नहीं, अगर कोई आए तो उसे खत्म कर देना। यस बॉस। मेरे जाने के बाद इस अड्डे को आरडीएक्स लगाकर उड़ा देना। बोट बोट विशाल जान ले ले इसकी, इसे जीने का कोई हक नहीं है। विशाल एक शिकार तेरा ये भी है। विशाल विशाल इसी कमीने ने मेरी मां गुजारी है, इसी ने इस मासूम बच्चे से उसके बाप का प्यार छीन लिया है, इसी ने तेरे मां बाप को भी मार डाला है। विशाल अब तू भी इसे मत छोड़, उठा तेरे हाथ और कर दे इंसाफ। यही है ना वो किताब? याद है मेरे परिवार की मौत? तेरी आंखों के सामने मैंने खून किया है और तुझे इसलिए जिंदा छोड़ रहा हूं कि अगर तू मुझे कातिल साबित कर सकता है तो कर ले। योर ऑनर, इस विशाल धर्म अधिकारी ने एक नहीं बल्कि कई हत्याएं की हैं। इसने राजा ठाकुर और उसके कई आदमियों का बड़ी बेरहमी से खून किया है, जिसका चश्मदीद गवाह मैं जस्टिस धनंजय। योर ऑनर, या तो इनकी आंखें कमजोर हो गई हैं या फिर ये मुझे फांसी के तख्ते पर लटकता देखकर खुश होना चाहते हैं।
जो आदमी पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक जेल में बंद हो वो खून कैसे कर सकता है? कर सकता है, जेल का रिकॉर्ड बदला जा सकता है, रिश्वत देकर जेलर को खरीदा जा सकता है। यही बात मैं भरी अदालत में तेरे मुंह से सुनना चाहता था। जब मेरी माँ, मेरे पिता, मेरे भाई का खून हुआ तो उस वक्त भी यही सब हुआ था और उस सब के पीछे तेरा ही हाथ था। बोल, ये सच है कि नहीं? बोल बोल, वरना अभी तुझे गोली मार दूंगा। मैं अपना जुर्म कबूल करता, विशाल बेकसूर था। राजा ठाकुर के दबाव में आकर मैंने ही इसे मुजरिम बनाया था। इंसाफ का रखवाला होकर मैंने ही कानून से गद्दारी की है। मैं गुनहगार हूं, कानून का अपराधी हूं मैं। मंदिर में जो स्थान भगवान की मूर्ति का होता है, इंसाफ के इस मंदिर में वही स्थान जज का होता है। भगवान की कलम से नाइंसाफी की उम्मीद कभी नहीं की जा सकती। मिस्टर धनंजय ने झूठे फैसले लेकर इस मंदिर की प्रतिष्ठा और पवित्रता को अपमानित किया है। अदालत इन्हें फौरन हिरासत में लेने की आज्ञा देती है और बार काउंसिल से सिफारिश करती है कि कानून की मदद से अदालत में जो फैसले इन्होंने किए हैं उनकी दोबारा छानबीन करे और इन पर मुकदमा दायर किया जाए ताकि इंसाफ पर लगे हुए धब्बे मिटाए जा सकें। किस किस को सजा देंगे आप? किस किस पर मुकदमा चलाएंगे? यहां तो सभी कसूरवार हैं, सभी मुजरिम हैं। नर्सिंग होम में पैदा होने वाले बच्चों की नर्स से लेकर शमशान घाट के चंडाल तक सभी को रिश्वत चाहिए। यहां जब तक रिश्वत का बाजार खुला रहेगा तब तक राजा ठाकुर और धनंजय जैसे लोग रूप बदल बदल कर यहां आते रहेंगे और समाज को गंदा करते रहेंगे। आज इंसाफ का मुंह लालच की स्याही से काला हो चुका है, लेकिन एक ना एक दिन जनता को जागना होगा और अपने ही हाथों से इंसाफ के मुंह की इस कालक को पोंछना होगा। ये गोली किसने चलाई? तेरे लिए मुझे और कुछ तो खबर।